नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जो है राजस्थान जीके का दूसरा टेस्ट जो है आपके सामने लेके आ चुके हैं। इससे पहले के टेस्ट में अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर पढ़िएगा। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसकी, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा एनवीर एजुकेशन का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने आज का पहला प्रश्न है, संत झांबो जी का जन्म हुआ था पीपासर नागौर में, नीमराणा में, मांडलगढ़ में या पीपलूद सीकर में। अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें सभी। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन के लिए जो समय था वो समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपके पीपासर नागौर में। संत जांबू जी का जो जन्म हुआ है वो पीपासर नागौर के अंदर हुआ है, तो ये वाला आंसर यहाँ पर सही होता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, जांबू जी द्वारा उपदेश दिए जाने वाले स्थान कहलाता है समनाथ श्री, जहां श्री, पीपाश्री या फिर शांतरी। अपना आंसर जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो यहां पर आपका इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर आ रहा है वो है आपका डी शांतरी। जांबूजी द्वारा उपदेश दिए जाने वाला स्थान जो है वो शांतरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जांबूजी को किसका अवतार माना जाता है, गणेश का, ब्रह्मा का, विष्णु का या फिर लक्ष्मण का। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो जल्दी से अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे वे सभी। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन के लिए जो समय था वो समाप्त हो चुका है और क्वेश्चन नंबर तीन के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका सी विष्णु का। विष्णुई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है जांबू जी वे एक विष्णु का अवतार माने जाते हैं, तो यहाँ पर तीसरे का सी वाला आंसर सही होता है। चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, जांबू जी द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय विष्णुई कहलाता है क्यों, यह 20 व 9 उपदेशों के पालन पर बल देता है, यहाँ 20 व 9 प्रकार के पेड़ों की उपासना पर बल देता है, यहाँ 20 व 9 देवियों की पूजा का प्रावधान रखता है या फिर यहाँ 20 व 9 देवों की पूजा का प्रावधान रखता है। अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन के लिए जो समय था वो समाप्त हो चुका है साथियों और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आपका होगा ए, यहाँ 20 व 9 उपदेशों के पालन पर बल देता है। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का ए वाला आंसर आपका सही होता है। पांचवा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, जांबू जी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का संग्रह क्या कहलाता है, जमुना सागर, जांब ए सागर, जम्ब सागर या फिर जांब ए सी ए आर। आपका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें सभी। तो यहां पर आपका इस क्वेश्चन के लिए जो समय था वो समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा जंब सागर। जांबू जी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का जो संग्रह है वो जंब सागर कहलाता है। तो यहाँ पर पांच प्रश्न का सी वाला आंसर सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है छठा, जांबू जी का मुक्ति धाम या समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है, कतरियासर, छोटी सादड़ी, पीपासर या फिर मुकाम। तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखते हुए सभी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन के लिए जो समय था वो समाप्त हो चुका है और क्वेश्चन नंबर छह का आपका राइट आंसर होगा साथियों
डी मुकाम। क्वेश्चन नंबर छह के अंदर आपका राइट आंसर होगा साथियों डी मुकाम। जाम्बोजी का जो मुक्ति धाम या समाधि स्थल है वो मुकाम के अंदर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर सात की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सात है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी को गो हत्या पर रोक लगाने हेतु सहमत किया था, संत पीपाजी, संत जाम्बोजी, संत हडबूजी या फिर संत रामदेव जी। तो देखिए यहाँ पर सातवें प्रश्न के लिए आपका समय जो था वो समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा साथियों बी संत जाम्बो जी ने जो है आपके दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी को गो हत्या पर रोक लगाने तो प्रस्ताव पर जो है उनको लिए उनके लिए जो है उनको सहमत किया था। तो सातवें प्रश्न का आपका बी वाला आंसर सही होता है। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, विश्नोई समाज के लोग पांचवा वेद किसे मानते हैं, रामायण को, महाभारत को, गीता को या जम्ब सागर को। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर आपके सामने आ रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर आठ का आपका राइट आंसर होगा डी जम्ब सागर को। विष्णु समाज के जो लोग होते हैं पांचों वेद जम्ब सागर को मानते हैं। तो यहाँ पर आठवें का डी वाला आंसर आपका सही होता है। नौवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पर्यावरण व प्रकृति प्रेमी विष्णु समाज की दो नारियां जिन्होंने खेजड़ी के पेड़ को काटने के लिए खेजड़ी के पेड़ को काटने के विरोध में जेठ कृष्ण द्वितीय संवंत 1661 के दिन अपने प्राणों की आहुति दी थी, कर्मा व गोरा, गोरा व बादल, मधु व गोरी या फिर मीरा व गवर। आपका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यहां पर आपका इस क्वेश्चन के लिए जो समय होगा वो होगा सॉरी सही आंसर होगा वो होगा आपका ए कर्मा व गोरा। इन दोनों ने जो है खेजड़ी के पेड़ को काटने के विरोध में अपनी आहुति दे दी थी। दसवां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, संत दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ, गया में, आशपुर में, अहमदाबाद में या पर नारायणा में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा साथियों सी अहमदाबाद में। संत दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, संत दादू दयाल की शिष्य मंडली में प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी, 53, 52, 54 या फिर 60। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा साथियों बी 52। संत दादू दयाल की शिष्य मंडली में जो प्रधान शिष्यों की जो संख्या थी वह थी आपके 52, 52। 12वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की, संत रविदास, संत जाम्बोजी, संत हडबूजी या फिर संत दादू दयाल। तो यहां पर आपका इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा डी संत दादू दयाल। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना जो है आपके संत दादू दयाल के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, दादू दयाल की मृत्यु कब हुई थी, 1610 ईस्वी, 1605 ईस्वी, 1607 ईस्वी या फिर 1608 ईस्वी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपके सामने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, 1605 ईस्वी में संत दादू दयाल की मृत्यु जो है वो आपके 1605 ईस्वी के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अलख दरीबा, अलख दरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है? सीरवी पंथ, विष्णोई पंथ, वैष्णव पंथ या फिर दादू पंथ? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर होगा डी, दादू पंत का। अलक दरीबा जो है वे दादू पंत का जो है सत्संग स्थल माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपका डी वाला आंसर जो है सही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, दादू पंतियों की एक मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? देवगांव झुंझुनू, शाहपुरा भीलवाड़ा, कोटपुतली जयपुर या फिर नरेना जयपुर? तो अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें सभी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपके सामने। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा साथियों डी, नरेना जयपुर। दादू पंतियों की मुख्य पीठ जो है वो नरेना जयपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस शासक को पीपाजी ने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद अकबर? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा साथियों सी, फिरोज शाह तुगलक को पीपाजी, संत पीपाजी के द्वारा जो है पराजित किया गया था। तो 17वें के अंदर आपके सी वाला आंसर सही होता है। 17वां क्वेश्चन आपके सामने है। वह लोक देवता जिसका संबंध गागरोण गढ़ झालावाड़ से है, मावजी, रामदेव जी, नामदेव या फिर संत पीपा? तो अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें सभी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा आपका डी, संत पीपा। संत पीपा जो लोक देवता थे उनका संबंध गागरोण गढ़ झालावाड़ से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ रहा है। संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह, प्रहलाद, संत कुमार या फिर जोरावर सिंह? आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें सभी। तो देखिए यहां पर 18वें प्रश्न का आंसर आपके सामने। संत पीपा के बचपन का नाम था प्रताप सिंह। ए वाला आंसर यहां पर सही होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ रहा है। दर्जी समुदाय किस लोक संत को अपना आराध्य देव मानते हैं? संत कृपा, संत धन्ना, संत पीपा या संत नामदेव? अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखिए यहां पर आपका इस क्वेश्चन के लिए समय समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा साथियों सी, संत पीपा। दर्जी समुदाय के जो लोग होते हैं वो संत पीपा को अपना आराध्य देव मानते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 20वां प्रश्न है, ज्ञान समुद्र के रचयिता कौन है? विजयदास जी, मंगलदास जी, सुंदरदास जी या खेम दास जी? अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी, सुंदर दास जी। ज्ञान समुद्र के जो रचयिता हैं वे हैं सुंदर दास जी। तो साथियों
यह था आज का आपका सेकंड टेस्ट। इसके अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन को अटेंड किया था। आपको यह आज का वीडियो कैसा लगा है आप सभी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपके पास पीडीएफ है तो भी आप इस क्लिक हियर के बटन के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली हमारे इस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं तीसरे टेस्ट के अंदर। धन्यवाद।